प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबलपुर आ रहे हैं। ओडिशा के लिए कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। हर गांव तक बिजली, हर घर तक नल से जल पहुंचे, युवाओं का कौशल विकास हो, हर तरह से पीएम मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कार्य किए हैं। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संबलपुर पधार रहे हैं और उड़ीसा के लिए कई हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। मोदी जी का जो स्वप्न है उड़ीसा के लिए विकसित प्रदेश बनाने का, समृद्ध प्रदेश बनाने का, उस स्वप्न में कई आयाम है। रेलवे का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर का डेवलपमेंट, एजुकेशन का डेवलपमेंट, स्टील का डेवलपमेंट, हर गाँव तक सड़क पहुंचे, हर गांव तक बिजली पहुंचे, हर घर तक नल से जल पहुंचे, गरीब से गरीब परिवार को भी आज एक नया अवसर मिले, स्किलिंग हो, एजुकेशन हो, हर तरीके से मोदी जी ने उड़ीसा के लिए बहुत बड़े अच्छे आयाम से, अच्छे तरीके से काम किया सिस्टमेटिकली। वो आज स्वप्न हम देखेंगे मोदी जी के कई कार्यक्रमों के माध्यम से, और संबलपुर स्टेशन को भव्य स्टेशन बनाने का भी आज मोदी जी फाउंडेशन स्टोन